जैसे कि अभी चल रही है अपन की, हमारे भाई ने बताया कि राजा हसन खां मेवाती गोरवाल से ताल्लुकात रखते थे। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं मेवात विकास सभा के पूर्व अध्यक्ष उमर पाडला जी, अध्यक्ष वकील साहब और जिन्होंने भी इस प्रोग्राम में इतनी मेहनत कर इस प्रोग्राम को इस लेवल पर पहुंचाया है, मैं तहे दिल से उनका शुक्र अदा करता हूं। और सीकरी वाले जितने भी लोग यहां पर आए हैं, उन्होंने अपना टाइम निकाला है, जितने भी लोग आए हैं मैं उनका सबका स्वागत करता हूं। और जो भी यहां पे लोग हैं, मैं उनको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो हमारे चीफ गेस्ट आने वाले हैं, आप लोग अली अनवर अंसारी साहब को सुने बिना कोई जाना मत, क्योंकि वही लोग हैं जिन्होंने हमारी कौम के प्रति राज्यसभा में हमारे लिए आवाज़ उठाई थी। और हमारे शरद यादव जी जो एक सेकुलर नेता हैं, आप उन्हें सुने बिना बिल्कुल मत जाना, वो बहुत जल्द यहाँ पे पहुँचेंगे। राजा हसन खां मेवाती जो हैं वो हमारे कौम के हीरो हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, आपके राजस्थान के हीरो हैं, उसके बाद हमारे देश के हीरो हैं। तो हमें फ़ख्र होना चाहिए इस बात का कि हमारा इतिहास जो है वो गौरवशाली रहा है, और हमारा इतिहास हमेशा देशभक्त और देश के प्रति हमारी कौम ने कुर्बानियां दी हैं, और सर्व समाज के साथ हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर चले हैं। इतिहास ही हमें सिखाता है कि हमें हौसला कैसे मिलेगा, कि हमारे पूर्वजों ने कैसे कैसे करके हमें यहाँ तक पहुँचाया है। अभी एजुकेशन के बारे में बहुत सारी बातें हो रही थी, तो यही एक ऐसी कमी थी जिस वजह से हम लोग बहुत पीछे पिछड़ गए हैं। तो हम लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग भाई, तो हमें इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि हम एजुकेशन में अपने बच्चों को कैसे एक अच्छी तालीम और अच्छा उनका भविष्य कैसे उनका उज्ज्वल करें, जिससे वो हमारी कौम, हमारे स्टेट, हमारे देश का नाम आगे रोशन करें। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली में एक छोटे से चांदन लगा का रहने वाला हूँ, और मेरी 42 साल उम्र है, और मुझे सिर्फ 10 साल से ये पता है कि राजा हसन खां मेवाती जिन्होंने जो है इतनी बड़ी शहादत दी, 12,000 लोगों के साथ वो अपने वतन को बचाने के लिए बाबर से लड़ बैठे, राणा सांगा का साथ दिया। ये बहुत बड़ी कमी की बात है कि हम लोग अपनी बिरादरी में होते हुए भी हम बहुत कम लोग हैं जो राजा हसन खां मेवाती के बारे में जानते हैं। तो मैं मेवात विकास सभा को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इन प्रोग्रामों के जरिए एक इतना जागरूक मंच तैयार कराया कि आज हमारे जो नई जनरेशन है उनको ये पता चल रहा है कि हमारा इतिहास क्या है। मैं अपनी तरफ से जितने भी यहाँ पर जितने भी इसके कार्यकर्ता हैं, और जितने भी जैसे वाजिब भाई का जिक्र आ रहा था, उन्होंने बहुत बड़ा उनका योगदान है, मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रवक्ता बैठे हुए हैं जो मुझसे ज़्यादा इस बारे में ज्ञान रखते हैं, तो मैं ज़्यादा समय ना लेके अपनी बात को यहीं विराम करता हूँ। और मैं मेवात विकास सभा का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, और उन्हें इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि बिरादरी के लिए जब जब जहाँ जहाँ जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी, मैं छोटे से गाँव से साधारण सा इंसान हूँ, मैं हमेशा मेवात विकास सभा के साथ हूँ, और हमेशा मेवात विकास सभा के साथ रहूँगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।